बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th मैथ क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, मैथ्स का हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है। आज हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज की क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरम्स बताऊँगी, ठीक है? ये आपके बुक के पेज नंबर 58 पे मौजूद हैं, थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस, ठीक है? यानी प्रोपोर्शंस पे आपके डिफरेंट थ्योरम्स होते हैं। फर्स्ट थ्योरम आपके पास है इन्वर्टेंडो, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो थ्योरम में क्या होता है कि कुछ जो रेशियोज होती हैं वो चेंज हो जाती है। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक प्रोपोर्शन गिवन है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ठीक है? तो इसमें जब थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो हम अप्लाई करते हैं तो ये जो रेशो होती हैं ये चेंज हो जाती हैं। इट मीन बी पहले आ जाएगा और यहाँ पे डी पहले आ जाएगा, ठीक है? ये इन्वर्ट हो जाएंगी रेशो। नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास यही जो है ना प्रोपोर्शन गिवन है, इसमें क्या होगा कि आपके पास ये जो रेशो है, ठीक है, ये बी की जगह पे आ जाएगी और ये जो है ये सी की जगह पे, यानी ये जो चीज़ है ना ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ये यहाँ पे बी रेशो डी आ जाएगा, ठीक है? इन्वर्टेंडो में क्या था कि वो आपस में रेशो ही चेंज हुई थी, लेकिन अल्टरनेंडो में क्या है कि दो रेशोज हैं यानी प्रोपोर्शन में वो चेंज हुई है, ठीक है? ये बी जो है ये नेक्स्ट रेशो में आ गया और सी जो है ये फर्स्ट रेशो में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। कंपोनेंडो थ्योरम क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास ये रेशो गिवन है ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। जब आप इस पे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि ए रेशो बी, ठीक है, यानी इसको हम इस तरह से लिखेंगे ना, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो कंपोनेंडो में क्या करते हैं कि नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर को प्लस करवा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी प्लस डी। इसी तरह से है आपके पास थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो, ठीक है? कंपोनेंडो में आप क्या करते हो, प्लस करवाते हो, और डिवाइडेंडो में आप क्या करते हो, माइनस करवाते हो। यही चीज आप माइनस करवा दोगे, ठीक है? फिर इन दोनों थ्योरम्स को कंबाइन करके हम एक थ्योरम बनाते हैं, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है? इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज अगर आपके पास ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी मौजूद है तो आपने पहले इस पे कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो दोनों अप्लाई करने हैं ना। तो कंपोनेंडो में आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और डिवाइडेंडो में आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है? सी प्लस डी डिवाइड बाय सी माइनस डी, ये आपके पास कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम होगा, ठीक है? अब हम देखते हैं अपने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम यूज हो रहा है, ठीक है? तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रूव दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इफ, आपके पास क्वेश्चन गिवन है 4a plus 5b divide by 4a minus 5b is equal to 4c plus 5d divide by 4c minus 5d, ठीक है? अब हम इस पे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लें बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल या डिवाइडेंडो थ्योरम, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कंपोनेंडो थ्योरम में हम नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे, 4a plus 5b plus 4a minus 5b, नीचे इसी तरह से 4a plus 5b minus 4a minus 5b, ठीक है? इसी तरह से आप राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई कर लो, 4c plus 5d plus 4c plus 5d plus कर लिया और यहाँ पे नीचे आप इसको डिवाइड कर लो और सॉरी माइनस कर लो, ठीक है? अब सिंपली आप इसको ओपन करो, 4a plus 5b minus sorry plus 4a minus 5b divide by 4a plus 5b minus 4a minus minus plus 5b। इधर से इसको भी ओपन करें, 4c plus 5d plus 4c
प्लस 5t, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है, नॉमिनेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा। 4c प्लस 5t माइनस 4c प्लस 5t। अब यहाँ पे देखें जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल आउट करें, ठीक है, 5b प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल, यहाँ पे 4a प्लस का, 4a माइनस का कैंसिल, ऊपर आपके पास 8 है, डिवाइड बाय 10b आ जाएगा, और इधर आपके पास 5b कैंसिल हो रहा है तो ये 8c, और यहाँ पे 4c कैंसिल हो रहा है तो नीचे 10d आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखें 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, अगर 8 को आप यहाँ से डिवाइड करवाएं तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 10 भी इसी तरह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइड बाय d, इसको आप रेशियो फॉर्म में अगर करो तो ये a रेशियो b प्रोपोर्शन, बल्कि इक्वल टू कर लें c रेशियो d, यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 में भी, ठीक है, यही थ्योरम यूज हो रहा है, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है। आप लोगों ने इसी तरह से अप्लाई करना है, जो आपके पास वैल्यूज गिवन है आप उन पे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करो, ठीक है, जो वैल्यूज प्लस माइनस में है उनको कैंसिल करो, और इस तरह से यहाँ पे कुछ कटिंग होगी तो यही आपने उसमें प्रूव करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप इसी तरह से कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करोगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी सपोजिशन करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y डिवाइड बाय x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइड बाय x माइनस 2z इफ x की वैल्यू आपको गिवन है 4yz डिवाइड बाय y प्लस z, ठीक है। x की वैल्यू आपको गिवन है, इसमें आप लोगों ने कुछ इस तरह से x की वैल्यू को सेट करना है, जैसे ये है 4yz y प्लस z, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y इंटू 2z, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही आएगा ना हमारे पास, 2 times 4 एंड yz, 4yz आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से दो इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हम क्या बनाएंगे कि देखो यहाँ से हम 2y को इधर डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा 2z डिवाइड बाय y प्लस z, एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी, और सेकंड इक्वेशन आप क्या बनाओगे, अब आप 2z को यहाँ पे डिवाइड करवा लो, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 2y डिवाइड बाय y प्लस z, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गए, ठीक है। यानी आपने फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाई, 2y को दूसरी साइड पे डिवाइड करवा दिया, और सेकंड इक्वेशन में आपने 2z को डिवाइड करवा दिया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इन दो इक्वेशंस पे सेपरेटली आप लोगों ने कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करना है, ठीक है, और उसके बाद जो इनका आंसर आएगा उन दोनों को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। लेट्स सपोज हम इक्वेशन 1 पे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करते हैं, तो x प्लस 2y डिवाइड बाय x माइनस 2y, देखें आपको यही क्वेश्चन में भी चाहिए था, ठीक है, इसलिए हमने 2y को यहाँ पे डिवाइड करवा लिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपके पास x प्लस 2y डिवाइड बाय x माइनस 2y है ना, और यहाँ पे देखो आपने कंपोनेंटो डिवाइडेंडो रूल अप्लाई किया, तो ये आपके पास x प्लस 2y एंड x माइनस 2y आ गई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अप्लाई करो, प्लस y प्लस z 2z माइनस y प्लस z, ठीक है, इसको आप एज इट इज रहने दो, तो ये 2z प्लस y प्लस z 2z माइनस y माइनस z, ये क्या आ जाएगा आपके पास 3z प्लस y, और इधर से 2z माइनस z करेंगे तो z माइनस y, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी जी, इस पर अप्लाई करें x प्लस 2z डिवाइड बाय x माइनस 2z इज इक्वल टू 2y प्लस y प्लस z और 2y माइनस y प्लस z, इधर से ये आपके पास ऐसे ही चलता आएगा, यहाँ पे 3y प्लस z हो गया और इधर 2y माइनस y माइनस z, 3y प्लस z माइनस करें तो y माइनस z, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन का रिजल्ट आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको और इसको दोनों को ऐड करना है, ठीक है, ऐड जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ,
इधर आपके पास क्या है, आपको पता है कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होती है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, x प्लस टू वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस टू वाई, और इसकी क्या थी, x प्लस टू जी डिवाइड बाई एक्स माइनस टू जी, ठीक है। तो इसमें प्लस करें, x प्लस टू जी डिवाइड बाई एक्स माइनस टू जी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड प्लस करें, 3z प्लस y डिवाइड बाय z माइनस y प्लस 3y प्लस z डिवाइड बाय y माइनस z, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पे देखें, आपके पास z माइनस y आ रहा है, यहाँ पे y माइनस z आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन करें तो ये भी z माइनस y हो जाएगा, 3z प्लस वाई जी माइनस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन करके यहाँ पे ले आओ। जब माइनस करोगे तो y के साथ माइनस आ जाएगा और z के साथ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम ले लें, z माइनस वाई एलसीएम आ जाएगा, दोनों के नीचे या तो ऊपर सेम वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस 3y और माइनस z आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा कि 3z माइनस z करो तो ये आपके पास 2z आएगा, ठीक है, 2z, और 3y में से y माइनस करें तो आपके पास 2y आएगा, z माइनस y, 2 कॉमन करो, ऊपर z माइनस y नीचे भी z माइनस y कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो x की वैल्यू गिवन है वो है जी 10np डिवाइड बाय n प्लस, ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है कि 10np को आपने इस तरह से सेट करना है। देखो क्वेश्चन में आपको m प्लस 5n, m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p और m माइनस 5p चाहिए, तो इट मींस कि हमने इसको 5n और 5p में ले गया है। तो आप इसको क्या करो, 5n 5, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 5n और 5p चाहिए था, इसलिए हमने x की जो वैल्यू है उसको 5n एंड 5p में स्प्लिट कर लिया, ठीक है। डिवाइड बाय n प्लस p एज इट इज रहेगा। अब आपने जो फर्स्ट इक्वेशन बनानी होगी उसमें क्या करना होगा, आप 5n को यहाँ पे ले आओ और 5p को यहीं पे रहने दो, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन में आप क्या करो, 5p को यहाँ पे ले आओ और n को यहीं पे रहने दो, ठीक है। ये आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी और आपने इससे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम दोनों पे अप्लाई करके दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आपके पास 12ab है, x की वैल्यू यहाँ पे आपको जो गिवन है वो है जी 12ab डिवाइड बाय a माइनस b। तो अगर क्वेश्चन में देखो तो आपको क्या चाहिए, x माइनस 6a, x प्लस 6a प्लस x माइनस 6b, ठीक है। यानी इट मींस आपको 6a और 6b चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, 6a इनटू 6b की फॉर्म में लिखेंगे। उसी तरह से आप लोगों ने दो इक्वेशंस बनानी है, एक बार 6a को डिवाइड करवा देना है इधर x पे और एक बार 6b को डिवाइड करवा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जो आपको x की वैल्यू गिवन है वो 3yz गिवन है, ठीक है, डिवाइड बाय वाई माइनस थ्री। और क्वेश्चन में जो आपको चीज चाहिए वो है एक्स माइनस थ्री वाई, एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एक्स प्लस थ्री जी डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री जी। अब देखो आपको थ्री वाई भी चाहिए और थ्री जी भी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि फर्स्ट टाइम इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप क्या करेंगे कि x डिवाइड बाय 3y कर लेंगे और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, z रह जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। आप इस पे जब कंपोनेंटो डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करोगे तो ये आपके पास x प्लस 3y और x माइनस 3y ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों ने इक्वेशन बनानी है तो आप लोगों ने क्या करना है कि 3z को यहाँ पे डिवाइड करवा लें, ठीक है, और y यहाँ पे रह जाएगा y माइनस z। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। जब आप इस पे कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करोगे तो ये देखो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3z डिवाइड बाय x माइनस 3z आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वहां पे 6pq गिवन है आपके पास वैल्यू, तो इसमें भी आप वही करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे आप अप्लाई कर लो, आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए देख लो, ठीक है। क्वेश्चन में आपको चाहिए एस माइनस थ्री पी डिवाइड बाई एस प्लस थ्री पी प्लस एस प्लस थ्री क्यू डिवाइड बाई एस माइनस थ्री क्यू, और एस की वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो सिक्स पी क्यू डिवाइड बाई पी माइनस क्यू गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सिक्स पी क्यू है ना, ठीक है, और हमें थ्री क्यू और थ्री पी चाहिए, तो इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं टू इंटू थ्री पी क्यू, ठीक है, डिवाइड बाय पी माइनस क्यू। अब फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि हमें थ्री पी एस माइनस थ्री पी चाहिए ना, ठीक है, एस माइनस थ्री पी चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको थ्री पी को यहाँ पे डिवाइड करवा लेंगे और इधर क्या रह जाएगा टू क्यू डिवाइड बाय पी माइनस क्यू, ये आपके पास इक्वेशन वन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में आपके पास आप थ्री क्यू को डिवाइड करवाओ, ठीक है, थ्री क्यू को जब आप डिवाइड करवाओगे तो यहाँ पे आपके पास टू पी डिवाइड बाय पी माइनस क्यू रह जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर टू बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हाँ इसमें देखें अगर यहाँ पे ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है और नेक्स्ट वाले में, तो इसका जो है ना ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग चाहे जो है ना ऊपर नॉमिनेटर में माइनस करवाओ चाहे डिनोमिनेटर में माइनस करवाओ, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन में ऊपर माइनस करवा लो और सेकेंड इक्वेशन में ऊपर प्लस और नीचे माइनस करवा लो। इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सिंपल आपके पास वैल्यू दी गई है, आपने दोनों साइड्स पे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है, जो वैल्यूज प्लस माइनस की होंगी उनको कैंसिल करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। इसका अगला पार्ट, अगले जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, दो तीन पार्ट्स रह गए हैं, इन पे सब ने आप कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है, डायरेक्ट आपको वैल्यू गिवन है, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन किया है, ठीक है, उसमें सिंपल आपको वैल्यूज गिवन थी, आपने कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई किया, जो वैल्यूज प्लस माइनस हो रही थी उनको कैंसिल किया और आपके पास जो मतलब रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आ जाता था। आज आपका होम असाइनमेंट टास्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, आप लोगों ने जो है ना इसको करना है, बहुत ईजी है, ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे, सॉरी 3.5 स्टार्ट करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।